So kids, let's start the second part of this poetry. So what we have read in the previous video, what we have read in the previous stanza, that the boy has lost his ball and he became so rigid, he became so stiff, he was trembling, he was shivering, and he was just staring down towards that water where his ball has लॉस्ट, बिकॉज उसकी जो मेमोरीज है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. उसकी जो जहाँ पे वो खेला करता था, उस बॉल के साथ वो खेला करता था, तो जो उसकी मेमोरीज है वो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है. एंड ऑल दीज थिंग्स वर सीन बाय द पॉइट, बट द पॉइट डजेंट वॉन्ट टू इंट्रूड ऑन हिम, द पॉइट डजेंट वॉन्ट इंटरफेयर इन दिस सिचुएशन, बिकॉज he wants that the boy, he wants to make learn that boy to lose something. How does it feel when we lose something and how we can overcome all these situation. All right, so the poet basically usko sikhana chahte the, isliye unhone dusri ball bhi kharid ke nahi di. चाहते थे वो खरीद सकते थे, एक डाइम मीन्स 10 सेंट्स उसकी कीमत थी, ज़्यादा नहीं थी, बट उन्होंने नहीं खरीद के दिया, बिकॉज वो चाहते थे कि वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है वो सीखे कि किसी खो जाने की चीज़ के बाद हम किसी चीज़ से मूव ऑन कैसे हो सकते हैं, ओवरकम कैसे हो सकते हैं. तभी हमारी जो लाइफ है, वेन ही इज़ अ चाइल्ड, तो चाइल्ड बच्चा क्या करता है, अपनी बहुत ज़्यादा जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने पास रखता है. बट जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है, तो अगर वो बड़ा होता जाएगा, अगर वो बच्चा रहेगा, तभी अपनी जिद को कंट्रोल करना नहीं सीखेगा, तभी अपनी पोजीशंस को अपने पास रख लेगा एंड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन जाएगा, तो इन फ्यूचर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. बिकॉज व्हेन ही विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, द पीपल विल कम इन हिज लाइफ एंड दे विल गो, देन वॉट ही विल डू, ही विल गॉट द डिप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली उसको समझाना चाहते हैं कि जिद नहीं करनी है, जो पोजीशंस हैं, जो रियलिस्टिक और मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उनको अगर वो जा रही हैं, तो लेट देम गो एंड जस्ट मूव ऑन फ्रीली. सो ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट द पॉइंट वांट्स, दैट द बॉय शुड सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दैट वी शुड नॉट स्टबन ऑन द मटीरियलिस्टिक चीजें, मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड रियलिस्टिक थिंग्स, दैट इज़ आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप बच्चे को नई चीज़ों की और ज़्यादा नई नई चीज़ें लाकर देते रहोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़िद्दी हो जाएगा, एंड इन फ्यूचर जब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई द पॉइंट वॉन्ट्स टू मेक हिज सेंस, मेक हिम लर्न हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, नाउ व्हाट इज पोजीशंस, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हमारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा हमको पसंद होती है. फॉर एग्जांपल आर मोबाइल फ़ोन, आर टैबलेट, आर वॉचेस, ड्रेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, राइट. सो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, मटीरियलिस्टिक किस वर्ल्ड में, People will take balls, balls will be lost away. लोग तुमसे उन balls को ले लेंगे, balls मतलब कि उन materialistic चीज़ों को लेने की तुमसे कोशिश करेंगे, and वो जो चीज़ें होंगी वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगी, and you should move on over them. So little boy, वो उस बच्चे को समझाना चाहते हैं कि इस materialistic के world में लोग आएंगे और तुम्हारी इसी तरह से ball को लेकर चले जाएंगे, and ball जो है वो तुमसे खो जाएगी. इट मीन्स वो जो materialistic चीज़ें हैं वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, and no one buys a ball back, और कोई भी तुमको वो नई ball लाकर नहीं देगा, कोई भी तुमको कुछ भी खरीद के नहीं देगा, and आप ही हो जिनसे आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम करना होगा. मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी इज़ एक्सटर्नल, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं. एंड ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, एंड दैट बॉय शुड लर्न अबाउट लॉसेस समथिंग एंड मूव ऑन दैम फ्रीली, मूव ऑन ओवर दैम फ्रीली. सो ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करना सीख रहा है, वो चीज़ों को अपने से दूर जाना सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी इतनी जो ग्रीफ वाली जो आँखें हैं, अब ये जो लाइन है वो घूम कर कहाँ आ जाती है, वो वहीं पर ही आ जाती है जहाँ पर पॉइंट उसको देख रहे हैं, ठीक है, और उसकी सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं. तो वो यही कह रहे हैं कि मैं उसकी सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं पैट करूँगा, उसको नहीं सहलाऊँगा, बिकॉज उसकी जो डेस्परेट
डेस्परेट आईज, उसकी जो डिसअपॉइंटिंग वाली जो आईज है, वो जो दुखी हो रखा है उसके पीछे वो क्या कर रहा है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, वो सीख रहा है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन करना. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. नाउ व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी, वो क्या होता है, खो जाने की जो नॉलेज होती है, द स्टडी ऑफ लूज समथिंग, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. सो इस चीज़ को वो सीख रहा है, मतलब कि वो किसी खो जाने की चीज़ को उन सब चीज़ों से ओवरकम होना सीख रहा है. इट मीन्स वो ये सीख रहा है कि अगर कोई चीज़ खो जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत देर दुखी होना बनता है, ऑब्वियस है ये, बिकॉज हमारी यादें उन चीज़ों से जुड़ी हुई है, बट अगर मेमोरीज हमारी फैंटा हो गई हैं तो लेट देम गो फ्रीली, वेदर दे आर पीपल, वेदर दे आर मटेरियलिस्टिक चीजें, लेट देम गो इफ दे वॉन्ट्स टू गो, राइट. सो वहाँ पे जो पॉइंट है, उन्होंने मैरिली बाउंसिंग क्यों बोला था, बिकॉज वो जो बॉल है वो खुद से वहाँ पर गई है. पॉइंट ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो बॉल है वो खुद से वहाँ पर गई है, अपनी मर्जी से वहाँ पर गई है. सो बेसिकली हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अपनी मर्जी से आएंगे और अपनी मर्जी से चले जाएंगे. सो वॉट वी शुड डू, वी शुड लेट देम गो फ्रीली बिकॉज दे आर हैप्पीनेस इन इट, ऑलराइट. सो हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट नो वन डे. अब जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि उसको खो जाने की जो डर है उससे ओवरकम होना पड़ेगा, एंड उसको ये सीखना पड़ेगा दैट हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू मूव ऑन अगैन, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. एंड हमें वो जो पॉइंट है वो यही कहना चाह रहे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट लर्न दीज थिंग्स, मस्ट लर्न टू ओवरकम दीज थिंग्स, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. एंड हर किसी को रोज़ाना ये सीखना चाहिए, हर टाइम ये सीखना चाहिए दैट हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू मूव ऑन ओवर मटीरियलिस्टिक चीज, मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड रियलिस्टिक थिंग्स. सो बेसिकली द पॉइंट जॉन बैरीमैन हैज क्रिएटेड दिस पोएम ऑन अ रियलिस्टिक थिंग्स, रियलिस्टिक सिचुएशन. हमारी ऑब्वियसली हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ें होती ही हैं, जब हमारी जो बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें होती हैं वो हमसे दूर चली जाती है, एंड वी बिकम सो सैड. बट अगर हमको कोई चीज़ वो लाकर देते तो हम उसके बाद हमारी लाइफ में जो चीज़ें जाएंगे हम उनको भी पाने की कोशिश करेंगे, उनको भी लाने की कोशिश करेंगे, एंड धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे. तो बेसिकली पॉइंट हमको यही सिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ से कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें और कोई रियलिस्टिक चीज़ें चली जाती हैं तो लेट देम गो फ्रीली एंड यू विल हैव टू मूव ऑन. सो दिस वॉज द वेरी ब्यूटिफुल पोएम वॉज रिटर्न बाय जॉन बैरीमैन. Hope you understood this poem. Thank you.